राजस्थान में होने वाले उपचुनाव से पहले भाजपा ने अपने संगठन में बदलाव किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही सांसद राधा मोहनदास अग्रवाल को अरुण सिंह की जगह प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ 5 महीने पहले ही राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। अब पार्टी ने उन्हें प्रदेश भाजपा की नई जिम्मेदारी सौंपते हुए ओबीसी वोट बैंक को और मजबूत करने का प्रयास किया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी ने 2 दिन पहले ही केंद्रीय नेतृत्व में मिलकर अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मदन राठौड़ को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्हें अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, निसंदेह आपके ऊर्जावान नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में भाजपा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ प्रदेश में सफलता के नवीन मानक स्थापित करेगी। मैं प्रभु श्री राम से आपके उत्कृष्ट कार्यकाल के लिए मंगल कामना करता हूँ। यह निर्णय राजस्थान में आगामी उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा की राजनीतिक रणनीतिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, जहां पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूत करने और प्रदेश में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने की कोशिश कर रही है।